अरे यार चिंटू, हाँ यार, इतना उदास उदास काहे हो? हुआ क्या? लोग मुझे बीच से फाड़ के और पूरा निचोड़ कर खाते हैं। अरे यार, तुम्हारा तो ठीक ही है, मुझे तो साला नंगा करके खाते हैं। अरे यार, तुम दोनों का तो ठीक ही है, मुझे तो साला पहले जोर से पत्थर में इतना जोर से पटकते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है, और बाद में साला सूसू भी गिलास में डाल के पी जाते हैं। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी? देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है, लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रह, जितना कह रही हो केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और अगर उन्होंने पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो क्या बोलूंगी? अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी, दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप अनुमति दें तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से? अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी? माँ जी, ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी नमक मिर्च हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। 2000 years later। का हो भाभी जी, आज भाई साहब को फिर से कूट दे लूं? का बताई भैया, इकोनो भी घटिया सामान बिना जांचे परखे ही लिए चले आते हैं। ये बात तो सही कह रही है भाभी जी, ये तो हम तबे समझ गए रहे जब भाई साहब आपको भगा के लाए रहे। और भैया, प्रेस कैसी दुकान चलत है आजकल? एकदम मस्त चलत हो भैया। अब इन पैजामा भैया एकदम सिकुड़े सिकुड़े आए रहे, उनके एकदम टिप टॉप बना के भेजे है। लेकिन का बात है भैया, तुम्हारी दुकान पे कोनो ग्राहक नहीं आवत है आजकल? देखा भैया, हमारी दुकान पे ऐसे ग्राहक ना आई है, फिर कैसे आई है? भैया जब कोनो की फटत है ना, तब वो हमारी दुकान पे आवत है। अरे हमारा मतलब है सिलवाए आवत है भैया।